तो दोस्तों एक चीज याद रखो, आप सब अपनी प्रॉब्लम से कई गुना बड़े हो और आपकी विल पावर ही आपको जीत के मार्ग पर लेकर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एस में और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। और लेकर आया हूं एक और नया लेसन हमारे क्रैश कोर्स में, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर हम लोग कवर कर रहे हैं और ये है लेसन नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको बताऊंगा दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बीच में डिफरेंस, एस्ट्रॉइड्स और मीटियोर्स में बीच में। बहुत ही अक्सर ज्योग्राफी में डिफरेंस आता रहता है और कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अक्सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता क्या है। तो देखो, पहले एस्ट्रॉइड के बारे में समझेंगे। बेसिकली ये बहुत बड़े रॉक पार्टिकल हैं। बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा, पीएचडी नहीं करनी है, बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ। हमें ये बहुत बड़े रॉक पार्टिकल्स हैं जो कि मिलते हैं हमें हमारी जो मार्स की ऑर्बिट है और जो हमारी जुपिटर की ऑर्बिट है, उन दोनों के बीच में। इनकी जो ऑर्बिटल शेप होती है वो होती है एलिप्टिकल, याद रखना। और ये सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। अब इनके पास अपना तो कोई एटमॉस्फेयर होता नहीं है, तो वो सन के अराउंड जो ऑर्बिट है वो किस तरीके से कर पाते हैं, किस तरीके से ग्रेविटेशनल पुल को मेंटेन कर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सिंपल सिंपल ये है कि वो साइज में इतने बड़े होते हैं, इस वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उन्हें कंट्रोल कर पाता है। साथ ही इनके पास एटमॉस्फेयर नहीं होता। और इनके डायमीटर की बात करें तो वो 1 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। साथ ही इसके बाद अगर मैं मिटियोरॉइड की बात करूं तो मिटियोरॉइड्स को हम लोग फॉलिंग स्टार्स के नाम से भी जानते हैं। वो भी सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं एलिप्टिकल शेप में, पर इनकी ऑर्बिट कोई भी डिफाइंड नहीं होती है। और जो लार्जर बॉडीज होती हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, जैसे हमारी अर्थ और भी जो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उनके ग्रेविटेशनल पुल इनको अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इनका अगर हम लोग डायमीटर की बात करें तो वो 10 मीटर से भी कम होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ ही जब किसी मेटेरॉइड को अट्रैक्ट कर लेती है, मान लो हमारी अर्थ ने अट्रैक्ट कर लिया और वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर गए, तो क्या होगा? हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ इतने ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो वहीं पे ही जल जाएगा, वहीं पे ही फट जाएगा। तो हम उसे बोलते हैं मिट्योर। तो द स्ट्रीक ऑफ लाइट सीन व्हेन अ स्पेस रॉक एंटर्स द एटमॉस्फेयर, तो एक हमें एक स्ट्रीक ऑफ लाइट दिखाई देती है जिसको हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये एक टूटता तारा है। साथ ही अगर ये जो मिट्योर है ये मिट्योर वाली कंडीशन में नहीं होता और सीधा हमारी अर्थ की सतह पर आके लग जाता है, हमारे जो ग्राउंड है उसके आप एक टच हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मिट्योराइट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, एस्ट्रॉयड, मिट्योइड, मिटियोर्स एंड मिटियोराइट। तो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सब चीज़ें मुझे आपको बतानी थी क्योंकि पिछले लेक्चर को हमने फिनिश किया था। अपने बहुत सारी हमने मुद्दे डिस्कस कर लिए थे। फॉर एग्जांपल हमने किया था ऑप्टिकल पोलराइजेशन के बारे में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि क्या हो क्या है हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी, उनके बारे में कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। साथ ही क्वांटम कंप्यूटिंग की थी, वाटर प्रेजेंस ऑन मून पढ़ा था। तो ये चार चीज़ें थी जो रह गई थी। अब अपने लेक्चर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आज जो पहला टॉपिक होने वाला है वो होगा अबाउट ओसिरिस रेक्स। नासा का एस्ट्रॉइड चेजिंग स्पेसक्राफ्ट है ओसिरिस रेक्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग है OSIRIX-REX। नासा का एक पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड को चेज करता हुआ, ठीक है, चेज कर रहा है। और ये सक्सेसफुली संक हमने कर दिया था अर्थ से, और जहां हम इसे जिस ट्रेजेक्ट्री पे चाहते थे उस ट्रेजेक्ट्री पे ये फॉलो अप कर रहा है। और एक नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है जिसका नाम है बेनू, BENNU, उसके ऊपर हम इसे पहुंचाना चाहते हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो ओसिरिस रेक्स नासा का एस्ट्रॉइड चेजिंग स्पेसक्राफ्ट है, मैंने आपको बता दिया। साथ ही एक एस्ट्रॉयड है बेनू, उसको चेस कर रहा है। इसका जो नेम है वो आप याद रखोगे। साथ ही इसने अभी रिसेंटली अंटार्कटिका के ऊपर से पास किया, और ड्यूरिंग क्लोजेट फ्लाई बाय ओसिरिस रेक्स साइंस इंस्ट्रूमेंट वर टेस्टेड बाय स्कैनिंग अर्थ एंड मून एज अ प्रैक्टिस फॉर इट्स ऑपरेशनल एट बेनू। साथ ही ओसिरिस रेक्स, तो यहाँ पे जो ओसिरिस है उसकी फुल फॉर्म है ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोलेथ एक्सप्लोरर मशीन या मिशन। इसको लॉन्च किया गया था September 2016 में फॉर स्टडिंग 101955 बेनू। ये कार्बनेशियस एस्ट्रॉयड है, कार्बन फिल्ड एस्ट्रॉयड है। और एस्ट्रॉयड क्या होता है वो हमने शुरू में ही देख लिया था।
सत्य, इट इज नासाज फर्स्ट एस्ट्रॉयड सैम्पलिंग मिशन, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नासा का सबसे पहला एस्ट्रॉयड सैम्पलिंग मिशन है। और आपको इसमें मिशन में नेम याद रखना है बेनू, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। साथ ही जो स्पेस क्राफ्ट है विल रीच स्मॉल एंड राउंडिश एस्ट्रॉयड इन 2018, और अभी तक नहीं पहुंचा है पर बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली जून जुलाई के आसपास इसकी डेट है। और वो अर्थ पे भी रिटर्न हो जाएगा कुछ इसके कंकड़ पत्थर या ग्रेवल्स लेके बाय 2023, और ये कैप्चर करने वाला है 2 ounces ऑफ डस्ट ऑन द एस्ट्रॉयड यूजिंग इट्स रोबोटिक आर्म। तो रोबोटिक आर्म भी इसके ऊपर हमने लगाया है जो कि डस्ट को करेगा कलेक्ट। साथ ही इसमें होवरिंग और हमिंग बर्ड स्टेड अप बाय नाइट्रोजन गैस थ्रस्टर, इस तरीके की चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल की गई हैं। बात करते हैं 101955 बेनू के बारे में कि ये बेनू एस्ट्रॉयड क्या है, इसकी थोड़ी थोड़ी टिडबिट्स ले लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन इनसे ही बन सकते हैं। तो ये कार्बनेशियस एस्ट्रॉयड है और इसका साइज की बात करें तो एक बहुत ही छोटा जो माउंटेन है इन द अपोलो ग्रुप उसके आसपास इसका टोटल जो एरिया है वो है। इट वॉज डिस्कवर्ड इन सितंबर 1999 बाय द लीनियर प्रोजेक्ट, याद रखना लीनियर प्रोजेक्ट ने इसे डिस्कवर किया था। बढ़ते हैं अपनी अगली डिस्कवरी की तरफ। अब बेसिकली ये डिस्कवरी नहीं है, हम लोग करेंगे नोबल प्राइजेस, ठीक है, किस किस को मिले, कब कब मिले, क्यों मिले, और बेसिकली 2017 के नोबल प्राइजेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नोबल प्राइज इन फिजियोलॉजी या मेडिसिन के बारे में। तो 2017 का नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन अवार्ड किया गया 3 लोगों को जिनका नाम है जेफरी सी हॉल, मिशेल रोजबैश एंड माइकल डब्ल्यू यंग। तो चलिए देखते हैं। सो इट वाज अनाउंस्ड बाय नोबेल असेंबली एट स्वीडन्स कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, और इनको अवार्ड दिया गया फॉर डिस्कवरिंग मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म कंट्रोलिंग द सर्कैडियन रिदम। तो सर्कैडियन रिदम जो होती है, जो हमारी बॉडी में होती है, जो कि हमारा टाइमिंग मेंटेन करती है कि हम कब खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, कब मैं ये सारे काम कर रहा हूँ, तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये हमारी एक सर्कैडियन रिदम होती है, उसके थ्रू हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो उसी चीज़ की डिस्कवरी के लिए इन तीनों को मिला नोबल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन। देयर डिस्कवरी एक्सप्लेन्स हाउ प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमंस किस तरीके से अपनी बायोलॉजिकल रिदम को सिंक्रोनाइज करते हैं, अडेप्ट करते हैं विद द अर्थ रिवॉल्यूशन। हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, और हमारे जो डे है या नाइट है या जो टाइमिंग है वो उसी हिसाब से हम लोगों ने फिक्स कर रखी है। जब से हमारी अर्थ बनी है, जब से हमारे पूर्वज आए, तो तभी से ही इस तरीके की सर्कैडियन रिदम चली आ रही है, ठीक है। बीच में एक बार डिस्टर्ब हो जाती है जब हम लोग पढ़ने लगते हैं ज़्यादा या बाकी और कोई काम इंपॉर्टेंट करने लगते हैं, पर बेसिकली ये सबके लिए सेम ही रहती हैं। तो बेसिकली देख लेते हैं कि सर्कैडियन रिदम होती क्या है। तो आपका जो सोने का समय है, जो जागने का समय है, जो खाना खाने का समय है, भूख लगने का समय है, पढ़ाई करने का समय है, दो तो और भी बहुत सारे काम होते हैं, उन सब का भी जो समय है वो कहीं ना कहीं आपने भी नोटिस किया होगा वो फिक्स होता है। तो वो फिक्स क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी एक रिदम अडेप्ट कर लेती है, एक पर्टिकुलर टाइमिंग अडेप्ट कर लेती है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कैडियन रिदम। तो जो हमारी सर्कैडियन रिदम होती है वो बहुत सारी चीज़ें अपने आप जुड़ी रहती हैं, जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर, हमारे सोने का समय, हमारा हार्मोनल लेवल किस समय एक्साइट हुआ, किस समय वो रिलीज आउट होगा, वो सारी की सारी चीज़ें, एज वेल एज ये जो तीनों नोबल यूरेट्स थे इन्होंने डिज़ाइन किया एक फ्रूट फ्लाई एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म। फ्रूट फ्लाई को चुना गया, उसकी सर्कैडियन रिदम के ऊपर उन्होंने काम किया और फिर खोजबीन के निकाला कि हाँ इस तरीके की चीज़ें होती हैं प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। सही, सब्सिक्वेंटली उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि एडिशनल प्रोटीन कंपोनेंट्स ऑफ दिस मशीन री एक्सपोजिंग अ मैकेनिज्म गवर्निंग द सेल सस्टेनिंग क्लॉकवाइज द सेल, दे ऑल्सो हैड रेज अवेयरनेस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर स्लीप हाइजीन। उन्होंने ये भी बताया कि सही समय पर सोना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो अपनी नींद का भी जो कंट्रोल है उसको आप लोग सही समय पर कर लें, क्योंकि अब तो ये प्रूफ भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं 2017 के नोबल प्राइज इन फिजिक्स के बारे में, वो यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज है सिलेक्टेड 3 अमेरिकन साइंटिस्ट जिनका नाम है रेनर विस, बैरी सी बैरिश और किप एस थॉर्न फॉर द 2017 नोबल प्राइज इन फिजिक्स। आपने सुना होगा लीगो के बारे में, लेजर इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो ग्रेविटेशनल वेव्स पिछले 3-4 साल में बहुत ही ज़्यादा मुद्दों में आए, जब से हमने देखा कि किस तरीके से ग्रेविटेशनल वेव्स की डिस्कवरी हुई, हमारे गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, तो इन सब चीज़ों से यहाँ पे रिलेट किया गया है।
जो डॉक्टर विस हैं वो बर्लिन में बॉर्न हैं, नाउ ही इज़ अ यूएस सिटीजन, उनको हाफ द प्राइज मिला है, वो जो बाकी का जो हाफ प्राइज है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बिटवीन द डॉक्टर बैरिश एंड डॉक्टर थॉर्न। अब जरा डिस्कशन ले लेते हैं कि ये जो प्राइस है ये किस चीज़ के लिए दिया है। तो ग्रेविटेशनल वेव के लिए दिया गया है। थोड़ा ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में जान लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल वेव्स होती क्या है? रिपल कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम। तो हमारे यूनिवर्स में जो स्पेस टाइम का कर्वेचर होता है, अगर उसके अंदर कोई भी वेव प्रोपोगेट करती है, ट्रैवल करती है फ्रॉम सोर्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, और वो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से टकराती है, या कोई एक ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट में ब्रेक होता है, उसके समय जो एनर्जी रिलीज आउट होती है, उस समय जो स्पेस टाइम के अंदर थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन होता है, वो एक लिंक मारता है हमारी ग्रेविटेशनल वेव से। तो स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सेज ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स आर अमंग प्रोड्यूस्ड बाय कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट, जैसे दो ब्लैक होल्स आपस में कोलाइड हुए, तो इनको डिटेक्ट किया गया है बाय द यूएस लीगो ऑब्जर्वेटरी या लेबोरेटरी इन 2015। सिंस देन थ्री मोर एग्जाम्पल्स हैव बीन डिटेक्टेड। साथ ही ग्रेविटेशनल वेव्स को सबसे पहली बार प्रेडिक्ट किया गया था 1916 के अंदर बाय द ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन ऑन बेसिस ऑफ हिज थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। तो आपने अगर 11th और 12th में पढ़ी है साइंस, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उसके साथ जो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से दो ट्विन ब्रदर्स की एज में डिफरेंस आ गया, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ से लिंक हुई हैं। साथ ही ग्रेविटेशनल वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी एज ग्रेविटेशनल रेडिएशंस एंड पास थ्रू मैटर्स विदाउट इंटरेक्टिंग विद इट। तो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर देती हैं एज ग्रेविटेशनल रेडिएशन विदाउट पासिंग थ्रू मैटर, विदाउट मैटर के इंटरेक्शन से, कोई मैटर से इंटरेक्शन नहीं करना पड़ता। साथ ही इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेविटेशनल वेव्स हमें हेल्प करने वाली हैं बहुत सारी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में, जो कि अक्सर अराइज हो रहे हैं कि गॉड पार्टिकल क्या है, या जो भी नॉर्मल फिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, उससे रिलेटेड जितने भी हमारे मुद्दे हैं उनको भी रिजॉल्व करने में हमारी मदद करेगी। खास करके जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारी अर्थ है, सोलर सिस्टम है, वो किस तरीके से प्रेजेंस में आया, ठीक है। इसके साथ साथ ग्रेविटेशनल वेव्स आप देख सकते हो कि अगर वो लोग पास करती हैं, ग्रेविटेशनल वेव मान लो अर्थ के थ्रू पास करती हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो स्क्वीज कर देती हैं या स्ट्रेच कर देती हैं स्पेस को। तो वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो किस तरीके से वो स्ट्रेच या स्क्वीज कर सकती हैं। साथ ही बात करते हैं लीगो के बारे में, LIGO, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जिसकी मदद से हम लोग ये खोज निकालते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स नाम की चीज़ें होती हैं। देखो आपकी स्क्रीन पे अब आता है कि किस तरीके से हमने लीगो को बनाया है। तो यहाँ पे हम लोग लाइट का इस्तेमाल करते हैं जो भी चेंज होता है उसको डिटेक्ट करने में। तो आप देख सकते हो दो तरफ एक मिरर लगे हैं और बीच में दो लाइट सोर्स लगे, एक लाइट सोर्स लगा है, एक लाइट डिटेक्टर लगा है। तो जब वो लाइट सोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता है, वो बीम स्प्लिटर स्प्लिट कर देता है लाइट को। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे 4 किलोमीटर के दो डिस्टेंस पे मिरर लगाए हुए हैं। अब अगर वहाँ पे मान लो कोई स्पेस टाइम के बीच में कोई डिस्टॉर्शन आया या ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया, तो एक जो 4 किलोमीटर वाला जो डिस्टेंस है, जब वो उसे रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी तो वो सेम टाइम पे टच कर जाएगी हमारे लाइट डिटेक्टर को, और जो दूसरे वाला आर्म से जो डिटेक्ट होके आ रही है, जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है, वो थोड़ी सी डिले हो जाएगी। तो जब भी ट्रेवल टाइम में थोड़ा बहुत डिस्टेंस में डिले आएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, कोई ना कोई चीज़ है जिसने डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट किया गया है कि ग्रेविटेशनल वेव हैं। सदी ग्रेविटेशनल वेव गिव्स साइंटिस्ट एन एंटायरली न्यू वे ऑब्जर्विंग वायलेंट इवेंट्स इन स्पेस, जैसे ब्लैक होल कोलिजन, सुपरनोवा इवेंट्स, जिससे हम बहुत सारी आगे आने वाली डिस्कवरी करने वाले हैं। साथ ही इंडिया में भी अब एक लीगो ऑब्जर्वेटरी बनने वाली है। तो ये आपके लिए सवाल है कि वो कहाँ बनेगी, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर ड्रॉप करेंगे। आगे बढ़ते हैं नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री। तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस हैज सेलेक्टेड जैकस डबॉस, जैकिम फ्रैंक एंड रिचर्ड हेडरसन फॉर द 2017 नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री। इन लोगों को सेलेक्ट किया गया फॉर डेवलपिंग क्रियो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फॉर द हाई रिजोल्यूशन स्ट्रक्चर्स डिटरमाइनिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन। तो केमिस्ट्री वॉज थर्ड ऑफ दिस ईयर्स नोबल प्राइजेस, और हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं क्रियो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि किस तरीके से क्रियो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वर्क कर रही है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली क्रियो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी
जिसका बेसिस है थ्री डायमेंशनल इमेज क्रिएट करना जो भी प्रोजेक्ट किया जाता है थ्रू द बायो मॉलिक्यूल। तो माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग क्या करते हैं, बहुत जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे जो सेल्स होते हैं, उनको हम लोग जूम करके देख पाते हैं, उनकी सारी की सारी चीज़ों को देख पाते हैं। तो यहाँ पे क्रियो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको 3D इमेज के रूप में हम लोग प्रेजेंट करते हैं। मैं बहुत ही सिंपल रूप में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ ही हेल्प करने वाला है कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो 3D पिक्चर में किस तरीके से रखते हैं, और इसके लिए हम लोग उन्हें फ्रीज करते हैं एट -150 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहते हैं। तो याद रखना, जहां पे भी ये वर्ड क्रायोजेनिक का इस्तेमाल किया जाएगा उसका मतलब होगा कि बहुत ही कम टेम्परेचर पे कोई भी चीज रखी गई है। तो यहां पे जो टेम्परेचर है वो है -150 डिग्री सेल्सियस, और क्रायोजेनिक इंजन्स भी हम लोग लगा रहे हैं अपने कई स्पेस क्राफ्ट में और अपने कई PSLVs में। तो आप लोग देख लेना कि उसमें भी इसी तरीके की चीज़ें इस्तेमाल होती है कि हम लोग बहुत ही मिनिमम टेम्परेचर पे सारे के सारे जो प्रोसेस हैं उनको गवर्न करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिसिसिव होने वाला है क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जो डिस्कवरी है, क्योंकि इसकी मदद से हम लोग नेचुरल शेप को देख सकते हैं और डिटेलिंग ले सकते हैं उस मॉलिक्यूल की कि वो किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, और साथ ही उसको मिड मूवमेंट में भी हम लोग फ्रीज कर सकते हैं। कोई अगर कोई बायो मॉलिक्यूल कोई ऐसा मूवमेंट कर रहा है, कोई स्प्लिटिंग हो रही है, तो उसके बीच में भी हम लोग उसे फ्रीज करके उस पर्टिकुलर प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए ये वाला जो डिस्कवरी थी ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी केमिस्ट्री के लिए भी और एज वेल एज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए भी। साथ ही आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्मार्ट बैंडेजेस की। तो कभी कभी हमें जब चोट लग जाती है तो हम लोग बैंडेजेस का इस्तेमाल करते हैं अपनी चोट को ठीक करने के लिए। इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स के साइंटिस्ट ने स्मार्ट बैंडेजेस डेवलप कर दी हैं। अब हर चीज स्मार्ट हो रही है, स्मार्ट हाउसेस, स्मार्ट सिटीज। मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड लेसन में भी बताए थे कि इतनी सारी चीजों में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी उसी तरीके की एक चीज है जिसका नाम है स्मार्ट बैंडेजेस। तो यूनाइटेड स्टेट्स के साइंटिस्ट ने डेवलप करी है स्मार्ट बैंडेजेस, जो कि प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकती हैं कि आपकी चोट के लिए कितनी डोसेज देनी है, कितनी मात्रा में आपको दवाई प्रोवाइड करनी है। साथ ही शेड्यूल ऑफ मेडिकेशन भी ये फिक्स कर सकती हैं आपके वाउंड के ऊपर, आपकी चोट के ऊपर, जिससे आपकी चोट सही समय पे जल्दी से हील हो सके, जल्दी से आप ठीक हो सको। साथ ही ये सबसे पहली बैंडेज है जो कि कैपेबल है डोज डिपेंडेंट ड्रग रिलीज की। साथ ही ये क्रॉनिक वूंड्स को भी हील कर सकती है, बैटलफील्ड इंजरीज को भी हील कर सकती है। तो जो हमारे जो सैनिक हैं जो कि कभी कभार लड़ने जाते हैं, इंजर हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। यहाँ पे हम लोग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और मेडिसिन की अलग अलग फील्ड्स का इस्तेमाल करके इस स्मार्ट बैंडेज को बनाया गया है। साथ ही स्मार्ट बैंडेज के अंदर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव फाइबर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसको एक जेल के अंदर कोट किया गया है इंडिविजुअल लोडेड, जिसके अंदर एंटीबायोटिक्स को पहले से ही इनफिल किया गया है, पेन किलर्स को इनफिल किया गया है, टिश्यू रीजनरेटिव ग्रोथ फैक्टर्स को इनफिल किया है, और भी बहुत सारी जो मेडिसिन होती हैं उनको भी पहले से इस बैंडेज के अंदर डाल दिया गया है। तो जिस भी प्रॉब्लम के लिए इस बैंडेज को लगाएंगे, अपने आप डिटेक्ट करेगी, अपने आप डोसेज रिलीज करेगी और बाकी सारा काम भी खुद ही कर देगी ये हमारी स्मार्ट बैंडेज। तो आगे हम लोग बात करते हैं अगले प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका नाम है कार्ब फिक्स प्रोजेक्ट। तो देखो, जो वर्ड है उसको दो अलग अलग अगर आप चीजों में डिवाइड करोगे, कार्ब और फिक्स, तो यहां पे फिक्स किसे किया जा रहा है, कार्ब को, एंड कार्ब इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो वर्ल्ड का पहला नेगेटिव एमिशन प्लांट है, इसको डेवलप कर दिया गया अंडर द कार्ब फिक्स प्रोजेक्ट, जिसकी मदद से जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम लोग एक पत्थर में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक स्टोन में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा आज की डेट में नुकसान पहुंचा रही है। और याद रखना कि जो पेरिस क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट थे 2015 में, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड को करने के लिए, कम करने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें अपने नेशनली डिटरमाइंड गोल्स के अंदर बताई हैं। तो इट इज इंटेंडेड टू लॉक अवे कार्बन डाइऑक्साइड बाय रिएक्टिंग इट विद बसाल्टिक रॉक्स। तो बसाल्टिक रॉक्स के साथ उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराने के बाद उसको फ्रीज कर दिया जाता है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एक स्टोन में, और ये ऑपरेशन को होल्ड अप किया है इन आइसलैंड। साथ इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम था वो 2007 से चल रहा था, पर फाइनली 2017 में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया गया।
तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से CO2 को हम लोग कार्बोनेट मिनरल्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी एक तरीके का प्रोजेक्ट है जिसे क्लाइम वर्क्स ने कंस्ट्रक्ट किया है। अंडरग्राउंड बेसाल्टिक रॉक फॉर्मेशन किस तरीके से होती हैं आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो एक बारी आप ये डायग्राम भी देख लो जिससे सारी चीज़ें आपके दिमाग में सही समय पर याद हो जाएं। साथ ही कार्बफिस प्रोजेक्ट, तो इनिट जो CO2 को हम लोग कैप्चर करते हैं फ्रॉम द एम्बिएंट एयर बाउंड टू वाटर एंड सेंड टू मोर देन 700 मीटर्स अंडरग्राउंड, तो पानी के साथ रिएक्ट करा के जिससे वो हवा में ना उड़े और पानी के अंदर ही मिक्सअप रहे, हम उसे सीधा का सीधा धरती के नीचे भेज देते हैं अप्रॉक्सीमेटली 700 मीटर्स अंडरग्राउंड। और यहाँ पे जो CO2 है उसको रिएक्ट करा दिया जाता है विद बसाल्टिक बेड रॉक्स, जिससे वेदरिंग का प्रोसेस चालू हो जाता है और उसके अंदर वो एक सॉलिड मिनरल के रूप में इकट्ठी हो जाती है और जो एक परमानेंट स्टोरेज सॉल्यूशन बन जाता है। इस प्रोसेस को, इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर बांट देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ओके, याद रखना। साथ ही करेंटली द सिस्टम कैप्चर्स ओनली 50 मेट्रिक टन CO2 ईच ईयर, अबाउट सेम एमिटेड बाय अ सिंगल US हाउस होल्ड। अभी सिर्फ इतना ही कर पाता है, आगे अगर इसमें और ज़्यादा डिस्कवरी होगी और ज़्यादा चीज़ें होंगी तो ये और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। साथ ही इट पम्प्स द कलेक्टेड गैस डीप इन टू द आईलैंड्स वोल्केनिक बेड रॉक वेयर इट रिएक्ट्स विद बसाल्ट एंड एसेंशियल टर्न्स इन टू लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन के अंदर ये कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो लास्ट में आज के लेक्चर में एक डिस्कवरी और अपनी डिस्कस कर लेते हैं, वो है इक्थोसौर के बारे में। तो इक्थोसौर आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे कैसा है, तो जियोलॉजिस्ट ने पहली बारी डिस्कवर किया है 152 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल ऑफ इक्थोसौर। तो इक्थोसौर एक तरीके का मैरीन रेप्टाइल, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो किस तरीके से होता है मैरीन रेप्टाइल, मतलब आगे की जो इसकी चीज़ें हैं वो बिल्कुल ऐसी लग रही हैं जैसे डायनासोर की तरह हैं या रेप्टाइल की तरह हैं, और पीछे का हिस्सा इसका बिल्कुल एक फिश की तरह है। और ख़ास बात यह है कि ये जो एक्सटिंक्ट मैरीन रेप्टाइल है, इसको जो फॉसिल है वो खोज हुई है हमारे गुजरात के कच्छ डेजर्ट के रीजन के आसपास, तो इसीलिए ये हमारे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रोशनी डालता है। साथ ही जो स्पेसिमेन है बिलोंग करता है ऑप्थेल्मोसॉरिडे फैमिली ऑफ इक्थोसौरस से, साथ ही जो कि ओशियन के आसपास रहती थी 165 टू 90 मिलियन ईयर अगो। जो इक्थोसौरस है वो एक बहुत ही बड़ा रेप्टाइल था जो कि डायनासोर के सेम एज के आसपास रहते थे, और उनको मिस आइडेंटिफाई किया गया है एज स्विमर्स डायनासोर्स। तो ऐसे डायनासोर जो कि स्विम करते थे, इस तरीके से इन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इट बिकेम एक्सटिंक्ट बिफोर डायनासोर्स, डायनासोर के मरने से पहले ही ये लोग एक्सटिंक्ट हो गए थे इन द लेट कार्टोसेरस फेस। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हुए उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा हमारा लेक्चर, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको पता है कि आपको हमें बताने के लिए कि आपको अच्छा लगा है एक लाइक का बटन आपको देना बनता है। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस एंड हैव अ गुड डे अहेड। उम्मीद है हम अगले बारी मिलेंगे तो और भी आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर के साथ। और जो अगला लेक्चर होगा वो शायद हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा, तो हम लोग अभी तक बहुत सारे करंट अफेयर डिस्कस कर चुके हैं, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 40 से ज़्यादा टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, और देखते हैं आगे 40 से ज़्यादा और हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ पे टोटल 90 के आसपास आपको करंट अफेयर बता दूंगा, तो आपके एग्जाम में उतनी ही ज़्यादा आपको हेल्प होने वाली है।